पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योग किया और उन लोगों को तीखा जवाब दिया जो योग को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक रूढ़ियां सीखने में लगे हैं। आज मुरादाबाद की कंपनी बाग में जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कंपनी बाग में योग करने पहुंचे और सभी को संदेश दिया कि योग करना जरूरी है। कार्यक्रम में योग करने पहुंची नाज ने कहा कि योग करना हम सभी के लिए जरूरी है। नाज ने कहा कि सभी को योग करना चाहिए क्योंकि योग से ही सभी बीमारियां दूर हो जाती है। तो वही कार्यक्रम में योग करने पहुंचे मुसर्रत हुसैन ने कहा कि जो लोग योग को गलत मानते हैं उन्हें एक बार योग करके जरूर देखना चाहिए और तब बताएं कि उन्हें योग में क्या चीज गलत लगती है और योग ऐसा व्यायाम है जिससे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती है। आज आप योग शिविर में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। योगा सभी लोगों को योगा करना चाहिए। कुछ लोगों का ये एक प्रोस्पेक्टिव बन गया है कि हम योग गलत चीज है, योग नहीं नहीं योगा से काफी बीमारियां दूर होती हैं, सेहत बनती है और सभी सभी व्यक्तियों को योगा करना चाहिए। मैं संदेश ये देना चाहूँगी सभी को योगा करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है योगा, धन्यवाद। क्या नाम है सर? मुसर्रत हुसैन नाम है मेरा। मुसर्रत हुसैन साहब, आप आज अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर है, आप आए हैं, आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो और बहुत सारे लोग हैं जो योग को गलत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि योग में नहीं जाना चाहिए? मैं उन्हें मैसेज देना चाहूंगा जो लोग योग को गलत मानना है, एक बार वो कार्यक्रम में उपस्थित जरूर हों ताकि वो ये देखें कि घर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें गलत लग रही है। कोई ऐसी बात मुझे अभी तक नजर नहीं आई जो धर्म के खिलाफ हो, धर्म इसमें आड़े आ रहा हो या धर्म इस चीज को मना कर रहा हो। सिर्फ बॉडी की एक ये एक्सरसाइज है जो तरह तरह के रोगों को दूर करती है। हमारे जैसे मसल्स में ये गर्दन में दर्द हो जाता है, उसकी एक्सरसाइज इन्होंने हमें बताई कि किस तरह से हम उसे एक्सरसाइज के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कई चीज़ ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को में पेन, हमारी एक्सरसाइज के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है, दवा के माध्यम से नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, हमें अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी जो धर्म के खिलाफ। और मैं उनसे ये मैसेज दूंगा कि वो एक बार इसमें उपस्थित हों और बताएं कि कौन सा चीज़ ऐसी है जो धर्म के खिलाफ है। अपने एक बार उपस्थित जरूर हूँ इनसे जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो योग के कार्यक्रम में एक बार उपस्थित होकर बताएं कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो धर्म के खिलाफ है। कोई चीज मुझे ऐसी नहीं लग रही यहाँ जो धर्म के खिलाफ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।